ग्वालियर में 21 जुलाई शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की एक विशाल आम सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें 1 लाख लोगों के जुड़ने का दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा रैली व आम सभा की तैयारियों के लिए ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा के मिश्रा ने, चलिए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर पा रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इस बार वो चुनावी शंखनाद फूकने वाली हैं और इसकी शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग से की जा रही है। मेरे बीच में यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्री के मिश्रा जी। सर, आप आए हुए हैं, कमान संभाल ली, आज से परसों प्रियंका जी आने वाली हैं, क्या लगता है इस बार कैसा माहौल होने वाला है, क्या सीन बनने वाला है? माहौल अभूतपूर्व होगा, क्योंकि यहाँ जनता अभूतपूर्व है, यहाँ का मीडिया अभूतपूर्व है आप जैसे लोगों के साथ, और यहाँ का संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाता है। तो हम ग्वालियर चंबल को लेकर बड़े उत्साहित हैं और हमें आशातीत परिणामों की उम्मीद है। आपने अभी दावा किया है कि 34 में से यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में खाता भी नहीं खुलने वाला है, क्या बेस है इसके पीछे? जो फीडबैक जनता का मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के फरेब से पूरा प्रदेश दुखी है। सरकार इश्तिहारों पर नहीं, जनता के बीच चलती है, गरीबों की दुआओं से चलती है, और यह सरकार तो माफियाओं की सरकार है। सिंधिया जी का प्रभाव होता, और यदि मैं यूं कहूं कि इस परिवार का प्रभाव होता, तो 60 सालों से कांग्रेस पार्टी महापौर का खाता नहीं खोलती थी। उनके जाने के बाद आदरणीय शोभा शिकरवार जी हमारी महापौर हैं, उनका प्रभाव होता तो गुना में वो खुद 1.25 लाख से नहीं हारते, वो राज्यसभा से नहीं जाते। वो बहुत बड़े नेता हैं, तो कहते हैं कि मुझे एक सीट खाली कराइए, मैं जनता के बीच चुनकर जाऊंगा। तो जो पिछले दरवाजे से महल में घुसते हैं वो लोकतंत्र की रक्षा क्या करेंगे? उनका राजनीति का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी अवैध संपत्ति को बचाना है, व्यवसाय करना है, जनसेवा नहीं। तो ये थे मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा जी, जिनका कहना है कि लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी और इस बार की जो रैली है प्रियंका गांधी की और सभा है वो अभूतपूर्व होने वाली है। कैमरा